everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. बुटीक की ओपनिंग तुमने कर ली, तभी आया था क्या? वो बिजी थे अपने बीवी और बच्चे के साथ, नहीं आ पाए। मेरी तबीयत थोड़ी फ्रैंक किस्म की है, इसलिए मैं थोड़ा खुल के बातें कर लेता हूँ। आप माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। आपकी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरह हर किसी को थोक के हिसाब से दोस्त बनाने का शौक है, और मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। उजाला, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? इतने सारे कस्टमर्स आ गए थे, मुझे तो डील करना भी नहीं आता। खैर, संभाल लिया मैंने। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सब कुछ मैनेज कर लिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी वजह से परेशान हो गई थी। वैसे उजाला, तबरेज ने ऐसा क्या कहा था तुम्हें कि तुम रोने लग गई थी? कुछ कहे या ना कहे, तो आंसू हमेशा पलकों पे रहते, ना जगह देखते हैं ना माहौल, बस आ जाते हैं कहीं से भी। उजाला, अगर तुम इसी तरह घुटती रही अंदर अंदर तो एक दिन बीमार हो जाओगी। तो और क्या करूं शम, मेरा किस पे बस चलता है सिवाय अपनी जान के? जाला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तबरेज से बात करूं, मैं उसे समझाऊंगी कि उसने क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है। कोई जरूरत नहीं, ये मेरा मसला है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। तुम अपने घर पे ध्यान दो, अपना घर देखो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। आई नो, एक तुम और रोमी तो मेरे। अरे भाभी, कुछ नहीं पूछिए, क्या हाल है मेरा? बस यूं समझिए कि मजरू बनने की कगार पे हूं। ना वो मुझसे बात करती है, ना ही मिलती है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे एक आइडिया है, हम शॉपिंग के बहाने उसकी बुटीक चलते हैं, वहीं पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप एक काम करें, आप जल्दी से रेडी हो जाए, मैं अभी आ रहा हूं आपको पिक करने के लिए, ठीक है? बड़े दिनों बाद आई हूँ जाला, घर में तो सब ठीक है ना? सब ठीक है ताई, अब देखें बुटीक भी खोल लिया है, वहाँ भी देखना है इसलिए। ये तो बहुत अच्छा किया कि तुमने बुटीक खोल ली, औरतों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस तरह खुद आत्मादी आती है। अच्छा तो फिर आप मुझे कब खुलवा के दे रही हैं बुटीक? अरे बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जब चाहे खोल लो। अच्छा ये बताओ, तबरेज तो अब तुम्हारे साथ ठीक रहता ना, उसे कोई मसला तो नहीं है ना? तबरेज को तो आप छोड़ ही दें ताई, उसका अच्छा खासा दिमाग खराब हो चुका है, वो कुछ नहीं समझता बुजाला को। शमा, तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे, तुम ताई अम्मा को कुछ नहीं बताओगी, देखो वो कितना परेशान हो गई, क्या करती हो? हाँ तो क्या गलत किया उजाला मैंने? ताई अम्मा को भी तबरेज के करतूतों का पता चलना चाहिए, कब तक छुपाओगी, कब तक सहोगी? सब कुछ ठीक है ताई, इसकी तो मजाक करने की आदत है, आपको पता है ना, सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। नहीं उजाला, सच सच बताओ, क्या कर रहे तबरेज आजकल? सब ठीक है। उजाला प्लीज, खुदा का वास्ता झूठ मत बोलो आप, सब जानते हैं कि उस घर में तुम्हारे साथ क्या सलूक होता है, इनफैक्ट वो औरत तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देती बच्चे को। ये तो बहुत बुरी बात है, तबरेज ऐसा क्यों कर रहा है, उस घोड़ी की लगाम क्यों नहीं खींचता? हाँ तो ताई, मैं यही बात उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या तो ये खुद बात कर ले उससे, या फिर हमें बात करने दे दे। क्या जरूरत है कुछ करने की शमा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, आप टेंशन ना ले। तुम चुप करके बैठो जाला, अब मैं तुम लोगों की बड़ी हूँ, मैं देख लूंगी उसे खुद ही। और खैर, इतनी देर हो गई बैठे हुए, तुम कुछ खाओगी? नहीं, मैं लेकर आती हूँ, तुम दोनों बहनें बैठो। शमा, क्या जरूरत थी सब कुछ बोलने की? उजाला मैंने क्या गलत किया बता के? मुझे एक बात बताओ, तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी, एक ना एक दिन तो पता चलेगा ना। हमजा की तबीयत कैसी है? ठीक है हमजा, लेकिन आपको बहुत मिस करता है, सारा दिन आपका पूछता रहता है, और आपका इतना आदी हो गया कि आपके जाने के बाद मुझे बहुत तंग करता है वो। मैं भी ऑफिस में उसे याद करते रहता हूँ, कभी कभार तो काम करना ही मुश्किल हो जाता है जब भी उसकी याद आती है। आपको पता है, हमजा के आते ही आप काबू में आ गए, वरना तो आप मुझसे जान छुड़ा चुके थे।
तुमने फिर फजूल बातें करना शुरू कर दी। अच्छा ये बताओ कि उजाला कहाँ पर है? जहाँ सुबह गई थी वहीं होंगी ना, मुझे क्या पता। प्रतीक पे तो नहीं थी वो, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, मुझे लगा शायद घर आ गई हो। अच्छा जी, इसका मतलब आप ना माथा मार के आए वहाँ पे और मैं बोंग की तरह आपका इंतजार कर रही हूँ। बड़े ही अच्छे वैसे। क्या मसला तुम्हारे साथ, क्यों हर वक्त लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो तुम? सही बात है, माँ उजाला बेगम आपसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है और आपको तो मेरी बात पहले से पता चल जाती है और आपको लगता है कि मैं आपसे लड़ाई के मौके ढूंढ रही हूँ। यार माफ कर दो, ये जगह छेड़ दिया मैंने। हाँ तो आप मेरे सामने ना उस उजाला का नाम मत लिया करें, अच्छा खासा मेरा मूड खराब कर देते हैं। आप में इतनी सी भी एहसास नाम की चीज नहीं तबरेज जी, मरे जा रहे उसके पीछे। मैं किसी के लिए नहीं मर रहा, तुम हर बात का रुख अपनी तरफ ले जाती हो। वैसे बड़ा दिल दुखाते हैं आप तबरेज जी मेरा। सुधर जाओ। क्यों मुंह बनाए खड़ी है? मेरे दुश्मन आए ना तबरेज जी के पास। कौन आ गए? वही उजाला, वो खानदान उठा के ले अपने यहाँ पे। वो क्यों आ गए सारे के सारे? वो इसीलिए आई है बेबे, उससे तो दाल गल नहीं रही होगी, सोचा पूरा खानदान उठा के लिया दाल गलाने के लिए। हाँ मुझे तो यही डर रहता है ना वो लोग ना तबरेज को तेरे खिलाफ ना कर दे। नहीं बेबे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ ना बेबे मैं सबकी ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी, छोड़ूंगी नहीं इनको। हम भी ऐसे ना कुछ चुप बैठने वाले लोग नहीं है। बेबे मुझे तो डर है वो लोग पता नहीं क्या पटके पड़ा रहोगे तेरे मेरे खिलाफ। तो झूठ के वहां से आई क्यों? वही बैठना था ना, उनकी बातें सुननी थी। मैं उठ के नहीं आई, तबरेज जी ने मुझे बहाने से भेजा चाय बना के लाओ। छोड़ दू तबरेज को, तू जाके बैठ वहाँ पे और बातें सुन उनकी, और जब तक नहीं ली जब तक वो लोग ना जाए, समझी तू? चाय मैं लेकर आती हूँ। अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन बेबे तू भी पीछे से आ जा, उसकी बहन डांस जमा है ना, उससे मैं मुकाबला नहीं कर सकती। कल वो आएगी ना, मजा आएगा मुकाबले में। चल तू भी, चल तू जाके बैठ वहां, मैं लाती हूँ चाय। तबरेज तुमने बहुत मायूस किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उजाला से इतनी लापरवाही करोगे। मोहानी मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे जरा ख्याल नहीं था कि हालात इस नहज पे आ जाएंगे कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जो अपने घर की बातें दूसरे घर में बैठ के करते हैं और फिर पूरा खानदान बिठा के पंचायत लगाते हैं। लड़की तुम्हारा इस मामले से ना कोई ताल्लुक नहीं है, या तो चुप करके बैठो या चली जाओ यहाँ से। ओ बड़ी भी, आप बड़ी, मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। ये इतनी बड़ी पंचायत जो आपने बिठाई है मेरे बंदे को डराने के लिए, मैं बैठूंगी यहाँ पे, समझ आई? जुबी चुप हो जाओ। हाय अल्लाह, मैं क्यों चुप हूँ? इन्हें बोले ये चुप हैं, आगे हमारे घर में फसाद फैलाने के लिए। अब तुम बताओ कि इस मसले का क्या हल है? कोई मसले का हल होगा तो आपको बताएंगे ना, कि सब उजाला की वजह से होता है ना, ये खुश रहती है ना किसी को खुश रहने देती है। तुमने फिर अपना गंदा मुंह खोला, बहुत बकवास करनी आ गई है तुम्हें। तमीज नहीं कि जब बड़े बात करे तो बीच में नहीं बोलते? लो जी तमीज सिखा भी कौन रहा है जिसे खुद बात करने की तमीज नहीं है। आए बड़ी चिपकली। जुबी चुप हो जाओ। जुबी को कोई चुप करा सका है? करवा के दिखाए कोई? मैं इस घर के बेटे की माँ हूँ, समझा? कोई बांझ बांझ नहीं हूँ, बड़ा हाल कर रखा है जुबी को। अभी बच्चा उठा के चली जाऊंगी यहाँ से, दिमाग घुमाया मेरा तो। मैंने मना किया था ना आप लोगों को कि यहाँ बैठ के बात करने का कोई फायदा नहीं, अब देखे तमाशा बैठ कर। तुम्हारा तो यही काम है, आग लगाओ और झूठी मूठी बैठ के साइड पर रोने लग जाओ। मोमानी मैं कल आपके पास चक्कर लगाता हूँ, यहाँ पे कोई बात नहीं हो सकती। बेटा मैं तो तुम्हारे भले के लिए आई थी, उजाला तुम्हारी कजन भी है और पहली बीवी भी, और इसने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। नहीं क्या मतलब है आपकी इस बात का? तबरेज जिसको गोद में उठा के झूला झुलाए, अपने हाथों से खाना खिलाए, आज जो जो यहाँ बैठे मेरी कान खोल के बात सुन ले, ये लड़की अपने मुंह से तलाक लेगी, घर नहीं बसाएगी अपना। अब अगर तुमने एक और भी बकवास की ना तो मैं उठकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चल आ जाओ, आके मेरा मुंह तोड़िया खड़ी होके। तुम्हें तो मैं आज बताती हूँ कि मुंह तोड़ा किस तरह से जाता है। बकवास बंद करो, अंदर जाओ तुम। जा रही हूँ, मैं फिर से बोल के जाऊंगी, जुबी को हल्का मत लेना, सारे के सारे पागल। यार
इस दिल भरी जिंदगी की क्या कोई हद है? इससे तो अच्छा कि तुम मुझे मौत दे दे या मेरे दिल को सुकून दे। ये तकलीफ, ये बेचैनी मुझे मार डालेगी। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप तब्रेज? सौकन की शक्ल में जो अजाब में दिन रात भुगत रही हूँ उसका हिसाब कौन देगा मुझे? उजाला मत भूलो, ये तुम्हारा फैसला था, तुमने ही मुझे मजबूर किया था इस चीज के लिए। वो बात और थी, वो सब फुप्पो जिंदा थी और वो क्या चाहती थी ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है फिर। अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहती, क्या कहना चाह रही हो आप जूबी को तलाक दे दीजिए। आप दोनों ने देखा कैसे तब्रेज ने अपने रंग बदल लिए? हाँ, और उस लड़की की दीदा दिलेरियां भी कितनी बढ़ गई हैं। धनी उजाला कैसे बर्दाश्त करती है? सारा कसूर तब्रेज का नहीं है, उजाला भी कुछ ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही उसके साथ। तैमूर आप तो मर्द है ना, मर्द की साइड लेंगे। शमा मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूंगा, चाहे किसी का भी कसूर हो, लेकिन वाकई उजाला अपने हक के लिए कुछ नहीं कर रही। तैमूर ठीक कह रहा है, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। वो हमेशा से ऐसी है, डर डर के जीने वाली। ये डर ही तो इंसान को मार देता है, अल्लाह रहम करे। शमा तुम रोज उजाला के पास जाया करो और उसे समझाया करो, इस तरह हाथ पांव छोड़ने से ना कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, हालात खुद ब खुद नहीं ठीक होंगे। मैं सोच रही हूँ कि उसके पास रोज जाया करूँ। गुड। वैसे ताई उजाला बहुत तन्हा हो गए है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो तंग आकर खुद को कुछ कर ना ले। अरे नहीं, बहुत समझदार बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं करेगी, मगर मुझे समझ नहीं आ रही वो इतनी जिद्दी क्यों हो गई है। जिद्दी नहीं, मायूस हो गई है। अल्लाह सब करम करेगा, परेशान मत हो। आमीन। उजाला मैं बाहर जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें बुटीक ड्रॉप कर दूँ। उजाला, 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 चलो उठो। कर दिया ना आपने मेरी बहन को बीमार, यही तो चाहते थे आप दोनों मियां बीवी, अब खुश हो गए होंगे आप? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, हम दोनों की तो काफी दिनों से ढंग से बात भी नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं चला कि उजाला ने कब इतना स्ट्रेस ले लिया, बेहोश हो गई। तब्रेज तुम जूबी को ना कंट्रोल में कर लो, वरना मैं उजाला को ले जाऊंगी और समझा बुझा कर वापस नहीं भेजूंगी पिछली बार की तरह। जब इस तरह के हालात इस घर में रहेंगे तो मेरी बहन तो बीमार पड़ेगी। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि उसने किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया और उसे आराम की शदीद जरूरत है, जो कि यहाँ तो किसी सूरत नहीं मिलेगा, तो बेहतर है कि हम उजाला को अपने घर ले जाएं। क्यों ताई? नहीं नहीं शमा, उजाला कहीं नहीं जाएगी। अगर यहाँ रही ना तो वो मर जाएगी और आपके राह का कांटा भी तो निकल जाएगा, यही तो दिली ख्वाहिश है आपकी। और कितना शर्मिंदा करोगी बेचारे को? वो मानी करने थे शर्मिंदा, वैसे भी उजाला की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। 110% आपका ही कसूर है, खुद को छूट देना ना छोड़ दें आप, बहुत बुरा किया आपने मेरी बहन के साथ। अरे बेटा इसकी बातों का बुरा मत मानना, उजाला के मामले में ना बहुत जज्बाती है ये। नहीं मुमानी, शमा अपनी जगह ठीक है, खैर आप लोग कुछ खा पी के जाना। नहीं बेटा, हम लोग तो नाश्ता करके आए थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप घर में आएं और कुछ खाए भी बगैर चले जाएं? मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ, आप इंतजार करें। शमा बिना उजाला, ये तुमने क्या हालत बना ली अपनी, मुझे बताओ हमारे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था? सुबी ने झगड़ा किया ना तुम्हारे साथ? शमा कुछ नहीं हुआ था। उजाला मत छुपा, मुझे तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि कुछ हुआ है, बताओ मैं अभी क्लास लेती हूँ जाकर। शमा मैं काफी दिनों से कुछ स्ट्रेस में थी, तुम जानती हो, इसलिए शायद मैं सोते में बेहोश हो गई। बेटा ऐसी क्या परेशानी ले ली जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाए जा रही है? मोहब्बत, मेरी खामोशी मेरी मोहब्बत को खा गई।
ताई मैं तो कह रही हूँ उजाला को अपने साथ ले चलते हैं। अगर ये कुछ दिन और यहाँ पर रही तो खत्म हो जाएगी। शमा जगह बदलने से क्या होगा, हालत तो मेरी वही रहेगी ना। उजाला प्लीज ऐसी बातें करके मेरा दिल खराब मत करो। तुम तबरेज से तलाक लो, अब बस यही हल है। अरे पागल हो गई है लड़की, तलाक मसले का हल नहीं, मसाइल का आगाज होता है। चंद दिन हमारे घर रहेगी तो ठीक हो जाएगी। चलो बेटा तुम हमारी तरफ चलो। कब तक ताई, कब तक आपके पास रहूंगी? आखिरकार इतना एक दिन आना तो मुझे यहीं पड़ेगा ना। उजाला अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो बेशक मत आना, और अगर हमारे पास भी नहीं रहना चाहती तो तुम अब्बा के घर जाके रह सकती हो, अब वो तुम्हारा ही घर है। अरे पागल हो गई हो, क्यों वो इधर उधर भटकेगी? उसका शौहर है, उसका अपना घर है। ताई आप कौन से शौहर की बात कर रही? वो शौहर जो अपनी दूसरी बीवी और पहले बच्चे के साथ हंसी खुशी रह रहा है और उजाला को तकरीबन भूल ही चुका है। अरे मियाँ बीवी हैं, झगड़े होते रहते हैं, सब ठीक हो जाता है बाद में, और हम यहाँ पर सुलह करवाने आए हैं, तुम भूल गई हो इस बात को। अगर तबरेज जी को मेरे साथ रहना है, ये मेरे बच्चे के साथ रहना है, तो जाला बीच में नहीं आएगी। इसकी कोई जगह नहीं हमारी जिंदगी में। मैं अब खुल के सांस लेना चाहती हूँ, मैं खुद पे मजीद टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना, तो जाओ।